एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरेट में। सो कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, सेफ होंगे, खुश होंगे। सो आज की जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, ये रीडिंग है सिंह राशि वालों के लिए। जिनकी भी राशि लियो है, सिंह हैं, उनके ऊपर मैं रीडिंग करूँगी। ये जो राशि है वो किसी भी तरीके से बेस नहीं होगी इन चीज़ों पे कि राहु चल रहा है या साढ़े साथी है या किसी भी तरीके के ग्रहों से बेस नहीं होगी। ये सिर्फ ऐसे होगी कि जो भी कार्ड्स निकलेंगे उस हिसाब से आपको जो है आपकी रीडिंग बताई जाएगी। ये राशि जो निकालने जा रही हूँ ये होगी अक्टूबर महीने की। पूरा अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है हम वो देखने जा रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे कह दूँ कि अपनी आंखें बंद करके एक बार अपने गुरु ईश्वर और अपने भगवान का ध्यान ज़रूर करें ताकि आपकी रीडिंग अच्छी आए। आज मैं आप ही के सामने शफल करने वाली हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं लियो राशि यानी कि सिंह राशि वालों का कैसा रहने वाला है अक्टूबर महीना। एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ वॉन्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। सो सी राशि वाले, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का अक्टूबर का महीना बहुत ही मेहनत करते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है इस बार इस महीने में आप कुछ काम कर रहे हो जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई है। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। आप उसके लिए अपने दिन रात एक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई नई शुरुआत दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में। या तो आप कोई नया काम शुरू करने की तैयारी में हैं या आप ऑलरेडी कोई जॉब करते हैं जिसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको या प्रमोशन मिल जाए या आपकी ग्रोथ हो जाए। कहीं ना कहीं आपके अंदर मुझे एक प्रकार का डर भी दिखाई दे रहा है। शायद आप लोगों को जॉब जाने का डर लग रहा है या आप लोगों को किसी प्रकार का डर आपके अंदर दिखाई दे रहा है। ये रीडिंग मैंने पहले करियर के हिसाब से शुरू की है। मैं आपको करियर के ओवरऑल बताती हूँ, बाद में मैं आपको लव के बारे में बताती हूँ। तो दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके का पैनिक होने की, मतलब ऐसे दिखाई दे रही है संभावना है। कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ डर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि आपको जॉब जाने का डर है या अपने घर परिवार वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा चिंता होते हुए दिखाई दे रही। जॉब को लेकर, आपके करियर और बिजनेस को लेकर आप इतने स्ट्रेस्ड हैं कि आप रात रात को सो तक नहीं पा रहे। आपने बहुत ज़्यादा चिंता कर रखी है, आपका सोना तक मुश्किल हो गया है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने काम के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ये आपके अक्टूबर महीने में होने वाली घटनाएं हैं जो मैं बता रही हूँ। बहुत ज़्यादा चिंता करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप कुछ को, खुद को कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हो। आप बहुत लंबे समय से ना बहुत ज़्यादा ना ऐसी पोजीशन पे रहे हो जहाँ पे ना आपको कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हुआ है। अब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने एफर्ट्स लगा रहे हो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको बस जो चाहिए लाइफ में वो गोल पूरा हो जाए। उसके लिए आप बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो पर कहीं ना कहीं किसी बात का अफसोस करते हुए दिखाई दे रहे हो। शायद आपके पास्ट में आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस की है या आपके जॉब में कुछ हुआ है या आपके सीनियर्स आपको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि सीनियर की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। या तो आपके सीनियर्स आपको डांट रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, किसी बात से बहुत चिंतित नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और वहीं दो चीज़ों में, दुविधा में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा नीचे लो की तरफ दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये शुरुआत होने के दौरान आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहेगा। कुछ चीज़ों में कंफ्यूज रहेंगे, दिल और दिमाग की सोच में कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो आपके हाथ में दो दो ऑप्शंस होंगे जिसको लेकर आप जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, कंफ्यूजन पोजीशन पे आ चुके हैं। शायद आपके प्रोजेक्ट को लेकर आप ऐसे रहेंगे या आपके हो सकता है कि आपके एग्जाम्स को लेकर आप ऐसे रहेंगे। किसी तरह की कंफ्यूजन आपके हाथ में दिखाई दे रही है और सेल्फ डाउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए, आप अपना गोल पूरा ही करने वाले हैं। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा आप अपना गोल पूरा ही करने वाले हैं, फिर भी आप सोच में आ गए। आपका लास्ट जो ये वॉन्ड है वो बस लगाना है आपको, पर फिर भी आप सोच में खड़े हो गए हैं। आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, करूँ कि कहीं सफलता नहीं मिली तो, कोई प्रॉब्लम हो गई तो। आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं आप मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप सामने वाले पर्सन के पीछे के सारे कपड़े तक फट चुके हैं, पर उसे एहसास नहीं। वो सिर्फ अपनी मेहनत करने में लगा हुआ है। वो दिन रात एक कर रहा है, बस अपनी मेहनत किए जा रहा है। उसने ऑलरेडी काफ़ी पेंटिकल्स लगा दिए, एक और पेंटिकल लगाने की कोशिश है, एक ऑलरेडी नीचे पड़ा हुआ है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने फाइनेंस पे, अपने पैसों पे, आप बहुत सारी चीज़ों पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। वहीं अगर मैं लव के लिए भी बता दूँ, ये मैं आप लोगों को व्हील ऑफ फॉर्चून के बारे में आपको बाद में बताती हूँ, पहले अब मैं लव के लिए बता देती हूँ।
लव के लिए भी मेरे को सेम ही मैटर दिखाई दे रहा है। कहीं होप्स दिखाई दे रही हैं, किसी पास्ट के बारे में सोचते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, बहुत चिंतित हो, बहुत ज़्यादा अपसेट हो, कांटों के बिस्तर पे सोए हुए दिखाई दे रहे हो, ऐसे दिखाई दे रहा है कि सो नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो। किसी एक पर्सन के कारण आपकी लाइफ जो है, आपने मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपको इतनी तकलीफ हो रही है जीने में, किसी ने आपको जाने अनजाने हर्ट कर दिया है, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने आप पे या इस रिश्ते पे काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं शायद आप नो कम्युनिकेशन बोर्ड पे भी दिखाई दे रहे हैं, शायद आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं सामने वाले से, आप कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला कम्युनिकेट करे, या आप अपने आप पे अमल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये मेहनत जो है मुझे दिख रहा है, ये आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में भी कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं थोड़ा चेंज हो जाऊँ या मैं थोड़ी चेंज हो जाऊँ, जिससे मैं थोड़ा मेरा ध्यान भटके और मैं सामने वाले पर्सन को बार बार परेशान ना करूँ। क्योंकि थोड़ा आप अपने बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं बहुत पेन और बहुत तकलीफ दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहा है कि पास्ट में रुक गए हो, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो, इच्छा तो आपकी भी आगे बढ़ने की, पर आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, कांटों के बिस्तर तक पे सोए हुए हो, पर वहीं दो चीज़ों में जगल करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप किसी सोच में, दो ऑप्शंस में बोलते ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दिखाई दे रहे हो। हो सकता है कि आपके हाथ में ऐसा है कि दो दो ऑप्शंस आ गए हैं, या तो आपके पर्सन आपसे जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं बात करूँ नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, कहीं ये मुझे फिर से तो हर्ट नहीं कर देगा, कहीं सामने वाला फिर से मुझे डिश तो नहीं कर देगा। ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे दिखाई देते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ तो हैं, उसके अलावा आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को कोस रहे हैं, आप अपने आप को गलत समझ रहे हैं, आप सामने वाले की गलतियों को तो देख रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो भी आपके रिलेशन में हुआ है, अरे ये शायद आपके कारण हुआ है, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद कुछ ठीक नहीं कर पा रहे हो, जबकि आपके पास सिर्फ लास्ट वॉन्ड है। आप ये लास्ट वॉन्ड लगाएंगे और आपका अचीवमेंट हो सकता है, पर आप अपने आप पे डाउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको अफसोस हो रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हो। अब मैं आती हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड पे, जिनका भी बिजनेस, करियर, ओवरऑल एग्जाम्स और हर तरीके से अगर मैं बताऊँ, लव के हिसाब से भी बताऊँ, व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि मंथ एंड में आप लोगों के लाइफ का जो पहिया है वो चेंज हो जाएगा। अचानक आपका एक व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है किस्मत की एकदम से जैसे जादू की छड़ी घुमाई जाएगी, कुछ तो लाइफ में चेंज होगा। काफ़ी लोगों के लिए रिकंसलेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, काफ़ी कम्युनिकेशन की एक्सपेक्टेशन है। आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, होप्स हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वहीं मंथ एंड तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिकंसलेशन होने के चांसेज हैं और कम्युनिकेशन होने के चांसेज हैं। वहीं बिजनेस और मुझे जॉब पर भी यही दिखाई दे रहा है, जितने भी लोग अपने गोल्स पर, अपने बिजनेस पर काम कर रहे हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होते हुए दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहा है कठिनाई आएंगी, बहुत सारे इशूज़ होंगे, पर वहीं वो सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीज़ों को पार करते हुए आप आगे स्टेप ले रहे हैं। अब देखते हैं और दो कार्ड निकालते हैं, देखते हैं और क्या अक्टूबर में होने वाला है। ओवरऑल तो आपकी ये एनर्जी है, अब देखते हैं और दो कार्ड निकाल के सी राशि वालों के लिए यूनिवर्स मुझे और दो कार्ड दें, मुझे बताएं अक्टूबर में उनके साथ क्या होने वाला है। ओके, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को करियर वाइज बता दूं, आप किसी चीज़ पे काम इसलिए कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत इसलिए कर रहे हैं बिजनेस में या इसमें, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ गोल पूरा करना है। आप होप्स में दिखाई दे रहे हैं, इस गद्दी में बैठे हैं, आपके हाथ में कप है। सेम लव में भी मैं मायने रखती हूँ, लव का भी सेम ही है। लव में भी आप प्यार की उम्मीद में दिखाई दे रहे हैं, प्यार के लिए तरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा होप्स रखते बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं, आपकी होप्स कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बस शायद नहीं होगा, आगे पॉसिबल ही नहीं है, शायद लाइफ दिख ही नहीं रही। वहीं ये दूसरा कार्ड बहुत ही सुंदर कार्ड है, ये बता रहा है रिकंसलेशन के चांसेस हैं। आइए, आपका पर्सन है जो आपके पास आते हुए मुझे दिख रहा है, अक्टूबर के एंड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप में से आप लोगों का रिकंसलेशन हो सकता है, और काफ़ी लोगों के बिजनेस में कुछ अपॉर्चुनिटी या जॉब पे कोई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है, गोल पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। और लव के लिए ये भी हो सकता है कि ट्रैवल करके आपके सामने वाले पर्सन आएंगे शायद, क्योंकि घोड़े पे मुझे सवार नज़र आ रहे हैं, तो शायद वो ट्रैवल करके आएंगे या आपको ट्रैवलिंग करके ले जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। ये दिखाई दे रहा है कि आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, इंट्रैक्शन होगा, कहीं ना कहीं आपसे बात ज़रूर होगी उनकी, कुछ ना कुछ उनसे इंट्रैक्शन करने की कोशिश होगी। तो अब देखते हैं आने वाले अक्टूबर महीने के आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं लियो राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है, सी राशि लियो राशि के लिए क्या गाइडेंस है। दो कार्ड निकाल रहे हैं हम,
तो यूनिवर्स कह रहा है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अगर आप किसी चीज़ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आप करते रहें, आप ऑलमोस्ट बहुत नज़दीक आ चुके हैं अपने गोल को पूरा करने के लिए, आप बहुत ही क्लोज हैं, अपनी मेहनत को ना तोड़े। अक्टूबर में हो सकता है आपके आसपास हालात ऐसे हो जाएं या आप कहीं ना कहीं अकेला फील करते हुए तो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा है मुझे अकेलापन दिखाई दे रहा है, सेल्फ डाउट दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप धीरे धीरे लो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर आपसे यूनिवर्स कह रहा है कि चिंता मत करो, परेशान मत हो, आप एकदम गोल अचीव करने के नज़दीक आ चुके हैं। अक्टूबर एंड होते होते आपके साथ बहुत सारी चीज़ें अच्छी होना शुरू होंगी। और उसके बाद ये दिखा रहा है लक इज़ ऑन योर साइड, बहुत ही अच्छा कार्ड है, लक आप ही के हित में है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े अपसेट होंगे आप कुछ भी चाहें ना चाहें, थोड़े अकेलेपन दिखाई दे रहा है, लोगों से शायद थोड़े कटे कटे से भी रहेंगे, पर वहीं दिखाई दे रहा है कि आपके साथ अक्टूबर एंड आते आते बहुत कुछ चीज़ें बदलने वाली है। रिकन्सिलेशन के चांसेस है, बिजनेस में ग्रोथ करने की चांसेस है, जॉब में भी अच्छे ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं। अभी देखते हैं कि साई बाबा आपसे क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्या गाइड करते हैं साई बाबा। साई बाबा मुझे बताएं कि लियो और सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर के लिए क्या गाइडेंस है, मुझे बताएं। ओके, जितने भी लोग सिंह राशि के हैं मैं उन्हें बता दूं कि ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। आप में से काफ़ी लोगों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करें। मैं आपको बता दूं मेडिटेशन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपका फोकस अच्छा हो जाएगा, आपके अंदर एक अलग लेवल का पेशेंस आ जाएगा। अगर आप अपने पर्सन का बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं और आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, होप्स हार रहे हैं, तो आप मेडिटेट करें, आपका जो अपने आप पर ध्यान ज़्यादा जाएगा। सेम बिज़नेस और ऑफिस वालों के लिए भी बता दूं, जॉब वालों के लिए, एग्जाम्स वालों के लिए, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं तो स्ट्रेस रिलीज होगा। साई बाबा आपसे खुद कह रहे हैं ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, थोड़ा स्पिरिचुअल होने के लिए कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं कि थोड़ा समय निकालो और थोड़ा जप करो, प्रार्थनाएं करो, उससे ही आपकी जो बिगड़ी है वो बनते हुए दिखाई दे रही है। और वहीं एक और मैसेज जो आया है साई बाबा का, वो कह रहे हैं कसमें और वचन, आप के या आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पे पूरा करें। आपने कोई चीज़ या कोई वचन को अधूरा छोड़ा है, ये मुझे अपने कार्ड्स में भी मुझे दिखाई दिया, कोई मन्नत अधूरी रह गई है, कोई वचन, कोई कसम अधूरी रह गई है, उसे पूरा करें। आपको शायद याद हो सकता है आपने कहीं मन्नत मांग ली हो, आपने सोचा हो कि ये काम पूरा हो जाएगा तो मैं जाऊँगी या जाऊँगा, और अभी तक आप गए नहीं हैं तो आपको जाना ज़रूरी है। या किसी अपने से आपने कोई वादा किया है कि तेरी मैं हेल्प करूँगा या करूँगी और आपने नहीं की है, तो प्लीज़ अपना वादा पूरा करें, आपकी जो बिगड़ी है वो बनते हुए दिखेगी, उसके बाद आपके साथ स्लोली स्लोली चीज़ें जो है ठीक होंगी। ये आपके कर्मा में जो इतना इश्यूज जो हुए हैं वो उसके कारण हुए हैं। तो अब देख लेते हैं आपके कुछ मैसेजेस कि देखते हैं आपके पर्सन या यूनिवर्स आपको कोई गाइडेंस देना चाहते हो। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर 5-6 ही निकाले हैं चीज़, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करेंगे क्योंकि एक स्पेसिफिक राशि है। सी राशि वैसे काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती है, शेर की राशि कही जाती है, सी मतलब शेर कहा जाता है, बहुत स्ट्रांग होते हैं आप लोग, तो इसलिए अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखें। ये वर्ड्स हैं, ये लेटर्स हैं, सॉरी CGKOSW, ये आपके या आपके सामने वाले पर्सन से हो सकता है, या अक्टूबर में इसका कुछ लेन देन ज़रूर है, आपसे कोई कनेक्शन है इसका, आप ध्यान दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा मुझे। उसके अलावा मैं आ रहा हूँ, देखिए मैंने आपको बहुत क्लियर बताया था कि आपकी रिकन्सिलेशन के चांसेस है और दिखाई भी दे रहा है कि रिकन्सिलेशन होगा, इसीलिए आप ध्यान दें, अपने होप्स ना हारें, निराश ना होएं, अकेला फील ना करें। देखिए एक और आया रिकन्सिलेशन, बहुत बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, आपके कार्ड्स अच्छे हैं, मन को उदास ना कीजिए, जितना हो सके अपने आप को खुश रखिए। बेबी, काफ़ी लोगों के लिए ना बेबी की गुड न्यूज़ है, या तो बेबी प्लानिंग शुरू हो रही है तो उसमें सपोर्ट मिलने वाला है, या बच्चे की सेहत को लेकर बहुत चिंता थी तो वो ठीक होता नज़र आ रहा है, या तो आपके बाबू शोना बेबी आपके पास आते हुए दिख रहे हैं और वही आपको ये मैसेज बता रहा है। आपका टाइम अच्छा है, बस आपको अब पेशेंस रखने की ज़रूरत है। व्हाट्सअप, सो हो सकता है आपके पर्सन जो है आपको पहले व्हाट्सअप करेंगे, या कोई व्हाट्सअप स्टोरी या ऐसा कोई सैड सॉन्ग या कुछ रखेंगे जिससे वो आपको हिंट देंगे कि देखो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा अच्छा भी फील होगा। न्यू पर्सन, कोई काफ़ी लोगों के लिए ना आप लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं, जो भी सिंगल है स्पेशली उनके लिए मैं बता दूँ, किसी न्यू पर्सन की आप लोगों की लाइफ में एंट्री होते दिख रही है मुझे। ओके, सानू एक पल चैन ना वे, सानू एक पल चैन ना वे सजना तेरे बिना, ये सॉन्ग आपके पर्सन आपके लिए गा रहे हैं या तो आप सुन रहे हैं, आपको सुनने की ज़रूरत है। मेरा बस कहना है, ओवरऑल रीडिंग आपकी कहती है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप लगे रहें, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप आगे बढ़ते रहें और इसी तरह आप सफल भी हो जाएंगे।
ठीक है, तो अभी और होप्स ना हारे, आपका आने वाला अंत में अक्टूबर जैसे जैसे एंड होगा, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, यही थी हमारी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। रीडिंग पर कमेंट के नीचे मुझे सॉरी कमेंट्स में मुझे बताया ज़रूर कि आपकी रीडिंग कितनी रिजोनेट हुई। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर, वीडियो पर मैंने ऑलरेडी मैंशन किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंशन किया है, जो कि बिल्कुल फ्री नहीं होगा। कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सएप करें। सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ, बाय।